हेलो, आज का टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंसेज। काइंड ऑफ सेंटेंसेज यानी कि सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टाइप के हैं। कितने टाइप के? सेवन। एक है असरेटिव, ASSERTIVE, असरेटिव सेंटेंसेज, और स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, साधारण वाक्य या कथन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। इन वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। असरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से, और इसके अंत में फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। सेकंड है अफर्मेटिव, सकारात्मक। अफर्मेटिव कौन से? सकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अफर्मेटिव में नहीं होती है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि टेंस वाले टॉपिक को मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। नेगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगना है? नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में और नकारात्मक में क्या डिफरेंस है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है। यदि हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो तो पहले शब्द के ठीक बाद नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी दो हो जाती हैं, लेकिन पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट लगाना है। क्या करना है? नोट कहाँ लगाओगे? जो शुरुआत की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद में नोट। फोर्थ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न होना चाहिए उसमें। हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हो या WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से WH वर्ड आता है, तथा इनके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन ऑफ कन्फर्मेशन कैसे? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आगे WH वर्ड लग जाता है। क्या लग जाता है? WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, वाई, वेहर, है ना, होम, वॉट, विच, इस प्रकार के WH वर्ड, और फिर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे लगते हैं। तो फिर आगे जो ये क्वेश्चन ऑफ कन्फर्मेशन है ना, उसी के आगे WH वर्ड लगते हैं, बाकी का सेम है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी बचे हुए शब्द क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक दोनों हो, प्रश्न भी हो और नकारात्मक भी हो, नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। नोट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद में। यदि वाक्य प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक दोनों हो तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेज, आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि भाव होते हैं। इम्परेटिव का मतलब है कि आज्ञा सूचक इम्परेटिव। इन वाक्यों में कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि भाव होते हैं। इनकी शुरुआत किस प्रकार हो सकती है? वर्ब से शुरू करना, फर्स्ट वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म से। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू करें, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ब्रैकेट में, इसलिए कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, बाकी बचे हुए शब्द, यानी कि वर्ब से शुरू करना है फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से।
एक है कि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू करना है, डोंट का मतलब डू, नॉट से शुरू करके फिर उसके बाद में वी वन लगाना। या थर्ड है कि वी वन से तो शुरू कर रहे हैं लेकिन उसके आगे प्लीज और काइंडली भी लग सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लग सकता है? प्लीज और काइंडली वी वन से आगे। फोर्थ है लेट से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन लेट में सेंटेंस कैसे होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। सिक्स क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी में विस्मयादि बोधक वाक्य, क्या कहोगे इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में जॉय, सोरो, सरप्राइज, अपलाउज, अपलाउज की स्पेलिंग देख लीजिए, ए डबल पी एल ए यू एस ई, अपलाउज, ए डबल पी, डबल पी आएगा, एल ए यू एस ई, अपलाउज आदि भाव होते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अलास, हुर्रे, ओ, आ, ब्रेवो जैसे शब्द आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे आएंगे? अलास, हुर्रे, ओ, आ, ब्रेवो जैसे शब्द आते हैं, और यह इनकी शुरुआत वोट या हाउ से भी होती है। ये तो वोट और हाउ से भी शुरू करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वाले नहीं होते, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, है ना। लेकिन वोट और हाउ में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होते हैं, वोट और हाउ से शुरुआत होने वाली। तो दो प्रकार के बनते हैं, अलास, हुर्रे, ओ, ए, ब्रेवो जैसे शब्द भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में, या इनकी शुरुआत वोट या हाउ से होती है, इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी कि कौन सा चिन्ह? ये वाला है ना, लाइन, उसके नीचे डॉट बिंदु। अलास आई हैव लॉस्ट द पाथ, दुख हो रहा है उसको, है ना, अलास आई हैव लॉस्ट द कार, ठीक है, ये विस्मय, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉट ए हॉरिबल मूवी, वॉट ए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना उसके बाद में, ना क्वेश्चन है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वॉट ए हॉरिबल मूवी। एक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, कामना सूचक वाक्य। इन वाक्यों में विस, कर्स, प्रेयर आदि भाव होते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है? विस, कर्स, प्रेयर आदि भाव होते हैं। सामान्यतः इनकी शुरुआत किससे होती है? मे से होती है, तथा अंत में वही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। मे से शुरू करते हैं, मे यू सक्सीड, मे गॉड ब्लेस देम, मे गॉड ब्लेस देम, मे यू सक्सीड, मे गॉड ब्लेस देम, एक्सक्लेमेशन मार्क। मे है लेकिन ये मॉडल भी है ना, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए लेसन के साथ।